प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आ रहे हैं, उनका दौरा प्रस्तावित है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने साफ तौर से कहा था, मुख्यमंत्री को तब तक जिले में एंट्री नहीं करने देंगे तब तक वो मऊगंज जिला बनाने की घोषणा नहीं करते। हालांकि मीडिया से आई खबरों के चलते सुखेंद्र सिंह उनको इस बार आने दे रहे हैं। उनका कहना है, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री आए, जिला बनाने की घोषणा करें, नहीं तो अभी 6 महीने है, दोबारा उनकी इस जिले में एंट्री नहीं होगी। हमारी टीम ने सुखेंद्र सिंह बन्ना से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हमारे पर है ना, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं आज एक बार फिर से मौजूद हूं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी के पास। आज मैं इनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा, पिछले दिनों जिस तरीके से रायपुर में एक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए क्या निकल कर आया। देखिए, मैं भाग्यशाली हूं कि कांग्रेस जैसे पार्टी का एक सिपाही हूं। 85वां अधिवेशन था, आजादी के पहले अधिवेशन हुआ, इसके बाद से लगातार जब देश आजाद हुआ। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देश की आजादी के लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सब ने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश को आजाद लड़ा। देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा। उसका अधिवेशन हुआ, इस समय देश की स्थिति बहुत ही खराब है। जहां एक तरफ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश गिरवी हो चुका है, आप भी जानते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह अधिवेशन बहुत ही कामयाब रहा। पुनः देश को, जैसा देश बिखर रहा है, देश को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर की हुई और एक सफलतम पद यात्रा हुई और लाखों लाख लोग उस यात्रा में जुड़े, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को लेकर के इस यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लाखों लाख लोग, नौजवान, बूढ़े, किसान, सारे बच्चे, माताएं, बहन, सब नाइट होकर इस यात्रा को सफल बनाया। उसी तरीके से यह महाधिवेशन जो रायपुर में हुआ, वहां पे भी आम सभा हुई, कम से कम 3-4 लाख जनमानस इकट्ठा रहा छत्तीसगढ़ में, और अधिवेशन में 19 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और उस अधिवेशन में किसानों के हित के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए और भारत के पुनर् मजबूती के लिए कई कार्य योजना बनी, और आने वाले समय में जो देश के हालात खराब चल रहे हैं उनको सवाल यहीं से शुरू होता है। देश के हालात खराब चल रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं जनता भारतीय जनता थी, हम ये नहीं कहते कि नहीं थी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल बीता 2014 में, उस समय कांग्रेस की सरकार गई और 7 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और अंबानी और अडानी ने जिस तरीके से आज आर्थिक स्थिति देश की चौपट हुई, और आपके अडानी जी का पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं क्या स्थिति आप बनी है, LIC और उधर आपके स्टेट बैंक का पैसा उन्होंने जिस तरीके से दुरुपयोग किया कर्ज लेकर के, ये कोई बात छुपी नहीं है। युवाओं को कहीं रोजगार मिल नहीं रहा, मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं रोजगार दिख नहीं रहा। और संविधान में जो भीमराव अंबेडकर जी का, महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संविधान बना था, जिससे एक मजबूत लोकतंत्र हम कह सकते हैं हिंदुस्तान को, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, काम वही पुराने, नाम बदले जा रहे हैं। अब तो आगे आने वाला चुनाव 2024 तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी जनता है, कितनी 2024 तय करेगा। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय ही भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी की भी दिशा तय करेगा। यह तो हुई केंद्र की बात। प्रदेश में आपने एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया था, मैं अगर रीवा की बात करूं, मऊगंज जिला बनाने की। आपने कहा था अगर शिवराज सिंह चौहान हमारे यहां आए तो हम मऊगंज में घुसने नहीं देंगे। यह माना जा रहा है कि निकट भविष्य में या होली के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज आपके इलाके में आ रहे हैं, क्या आप
क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से आपने एकदम सही बात कही है कि मैंने शिवराज सिंह जी जब विधायक था तो उन जनदर्शन यात्रा जब उन्होंने करी, तीन बार मऊगंज का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और मैंने कलेक्टर के माध्यम से इस बात को कहा कि जिले की अगर उनको घोषणा करनी हो तो आए, अन्यथा वो जिले की घोषणा अगर उन्हें नहीं करनी है तो हम नहीं आने देंगे। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने वो नहीं आए। और इसके बाद मैं 50,000 की गिरफ्तारी देकर के आंदोलन किया और उसका दबाव इतना ज्यादा है कि पेपर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, और ये आ रहा है कि नहीं इस बार जिले की घोषणा वो करेंगे। और मेरे आंदोलन के कारण जिले की घोषणा वो रुक जाते थे, नहीं आ पाते थे। अच्छा, ये बताइए, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, पूरी बात करिएगा, अगर इस बार उन्होंने जिले की घोषणा कर दी फिर आपके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे हाथ से मुद्दा जाने का सवाल ही नहीं उठता। मऊगंज के जिले का मुद्दा मैं 15 सालों से उसकी लड़ाई लड़ा हूं। तीन तीन बार, चार चार बार बाण सागर का पानी और जिले के मुद्दे को लेकर के हमने गिरफ्तारियां दी है। अभी हाल में मालूम है, साल भर पहले मैंने 50,000 की जनता जनार्दन लेकर के हमने गिरफ्तारी दी थी और उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि जब भी मऊगंज आएंगे तो उन्हें जिला की घोषणा करनी ही पड़ेगी। तो उसमें मैं स्वागत करूंगा। आखिर घोषणा तो मुख्यमंत्री को करनी पड़ेगी, जिला तो मुख्यमंत्री को बनाना है, बजट तो उन्हीं को देना पड़ेगा। तो मेरी तो मुद्दों की जीत होने वाली है। हम कहते हैं विधायक रहे ना रहे अलग विषय है, जिले का मुद्दा अगर सफल होता है इसमें कहीं ना कहीं मऊगंज की जनता जनार्दन, और हमने इस बात की लड़ाई लड़ी है, मुझे इस बात का फक्र होगा कि मेरी लड़ाई आज सार्थक होने जा रही है। मेरी लड़ाई सार्थक होने जा रही है, मुख्यमंत्री अगर मऊगंज आएंगे तो जिले की घोषणा के साथ आएंगे, अन्यथा उनको मऊगंज में फिर से घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहना पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह का। हम लगातार मऊगंज में मुख्यमंत्री के दौरे पर और सुखेंद्र सिंह पर नजर बना कर रखेंगे, जो भी ताजे अपडेट होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।